सब लोगों को क्यों बनानी है भाई रामायण। पहले हम लोगों को नीतीश तिवारी की रामायण का पता चला, जिसमें हमारे राम का रोल प्ले कर रहे हैं रणबीर कपूर। और अभी एक भोजपुरी किसी डायरेक्टर ने, उन्होंने अंजलि अरोरा नाम के किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लिया है, जिसका पहले की MMS वगैरह कुछ भी कई वायरल हो चुका है, और वो इतनी ज़्यादा यार मतलब अच्छी इमेज से नहीं देखा जाता उसको। तो यार जिसकी इमेज ही अच्छी नहीं है उनको वो माता सीता का रोल प्ले करवाने वाले हैं। अब तुम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ समझ रहे हैं कि भाई हर कोई रामायण बनाने के पीछे क्यों भाग रहा है, या फिर ये इतनी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज हमारे हिंदू पुराणों को लेकर ही क्यों की जा रही हैं। अब देखो, हम लोग पहले ही भाई आदि पुरुष नाम के एक जहर को पी चुके हैं, जो कि भाई हम लोगों को शायद ही हम जिंदा बच पाते उससे, मगर वो हम लोगों को बहुत अच्छा जख्म देखे गया, जिसके बाद हम जलने के बाद भाई छाछ भी फूक फूक कर पीने वाले हैं। तो अगर इनमें से एक भी प्रोजेक्ट ऐसा वैसा निकला तो भाई हम किसी को बख्शने तो नहीं वाले हैं यहाँ पर। और नीतीश तिवारी की रामायण से मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि वो शायद अच्छी हो, क्योंकि भाई उसके सोर्स मटेरियल्स और उसकी जो विजन नज़र आ रहा है, या फिर उसके पार्ट तीन पार्टों में वो अपनी कहानी को बनाने वाले हैं, वो विजन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो उनकी लीक पिक्चर्स आई थी वो भी काफ़ी ऑथेंटिक लग रही थी, देखने में काफ़ी सुंदर था, तो एक उम्मीद तो जग रही है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी इस रामायण पर पूरी तरह कॉन्फिडेंस या श्योर नहीं हो सकता कि हाँ ये हमारी रामायण को पूरे प्रेरणा के साथ उस प्यार के साथ दिखा पाएंगे। क्योंकि भाई मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस, देखो मुझे मनोज मुंतशिर सर को भी लेकर था, क्योंकि भाई मैं उनसे रियल में मिल चुका हूँ और मैंने उनके हर चीज़ लगभग मैंने उनकी सुनी है, मैंने उनकी बुक भी पढ़ी है, और उनके लगभग जितने भी मुशायरे हैं मैंने सब देखे हुए हैं। क्योंकि भाई अपन फ़ैन हुआ करता था भाई उस बंदे का, लेकिन भाई उस बंदे ने ऐसा दिल तोड़ा ना आदि पुरुष बनाने के बाद कि भाई मेरे लिए, मेरे दिल में वापस बंदे के लिए ऐसी जगह नहीं बन पाई है। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीज़ें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। चल झूठा। हम रामायण से प्रेरित हैं हमेशा। हमारा अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हैवीली प्रेरित हैं, बहुत हैवीली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और हम संपूर्ण रामायण भी नहीं बना रहे हैं। अभी पता चलेगा जो रामायण है उससे कितनी हटकर है ये फिल्म। एक इंच नहीं, एक सेंटीमीटर नहीं, एक मिलीमीटर नहीं। तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है। क्या बोला? कुछ भी अलग नहीं। क्या बोला? तो तब अपने को समझ आया कि भाई कोई भी कभी भी बदल सकता है यार, और ये तो यार सिर्फ पैसे के भूखे हैं। अब मनोज मुंतशिर की अगर तो मैं एक चीज़ बताऊं तो भाई उस बंदे को जोकर मूवी से बड़ी दिक्कत है, लेकिन वो कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवीज़ के लिए वो गाने लिखता है। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है। तो भाई ये सारी चीज़ें सिर्फ पैसे के लिए की जा रही हैं, उन्हें कैरेक्टर और ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि किस चीज़ की बेइज्जती हो रही है, किस चीज़ की नहीं, उन्हें बस पैसे से मतलब है। अब मैं यहाँ पर देखो मनोज मुंतशिर सर को बुरा नहीं कह रहा, बस मुझे उनकी ये दोगली फितरत पसंद नहीं आई। हालांकि मैं उनका फ़ैन था लेकिन अब नहीं हूँ, बट मैं उनकी राइटिंग को आज भी मैं एडमायर करता हूँ। नीतीश तिवारी के हम इससे पहले कुछ मूवीज़ देख चुके हैं, जिसमें छिजोरे मेरी पर्सनली फेवरेट है और वो काफ़ी अच्छी है, और मैं इस पर उम्मीद लगा सकता हूँ कि हाँ भाई ये बंदा कुछ अच्छा बनाएगा। जिस तरीके का उन्होंने अपना विजन बताया है, जिस तरीके के प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, तीन पार्ट में इस मूवी को बनाने वाले हैं, तो वहाँ पर मैं इससे उम्मीद लगा सकता हूँ। लेकिन मेरी फिर भी मुझे इस पर ट्रस्ट इशूज़ रहेंगे। और अंजलि अरोरा वाली रामायण भाई मुझे पक्की भाई कॉन्ट्रोवर्सी लग रही है, ये बस फालतू की बातें हैं सिर्फ, क्योंकि ये बंदा भाई बस देखो अपनी मूवी की तरफ बस लो तुम्हारा अट्रैक्शन चाहता है कि तुम्हें पता चले कि भाई ये बंदा भी रामायण बना रहा है। और ये देखना थोड़े दिन में पता चलेगा कि भाई इसने पब्लिक के प्रकोप से डर के अंजलि अरोरा को मूवी से बाहर कर दिया है, जबकि भाई तेरी इंटेंशन ऐसी पहले से ही थी, तो बस अपनी रामायण को नज़र में लाना चाहता था। बल्कि अगर तुम्हारी इंटेंशंस प्योर होती तो भाई तुम्हें ऐसी कंट्रोवर्सी करने के लिए अपनी मूवी को लाइमलाइट में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मूवी अगर अच्छी होती तो भाई ऑलरेडी ही लोगों की नज़रों में आ जाती। तो इस बंदे की देखो मुझे इंटेंशंस तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। और फिर देखो अंजलि अरोरा यार पर्सनल लाइफ में अपनी उसने कुछ भी किया हो, कैसी भी लड़की हो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन भाई एक इमेज, एक ऑरा होती है जो कि भाई मुझे हमारी सीता माता के कैरेक्टर पर चाहिए, जो कि मैं इस लड़की में कभी नहीं देख पाऊंगा। रणबीर कपूर को भी भाई मुझे ज़्यादातर उसकी जो स्माइल है वो भी मुझे ज़्यादातर अपने बैड बॉय या हरामी वाली लगती है, क्योंकि उसने ज़्यादातर ऐसे ही कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। लेकिन भाई वो बंदा एक्सपीरियंस एक्टर है, वो इस चीज़ को पुल ऑफ कर सकता है। मैं अभी भी शक में हूँ कि भाई वो अरुण गोविल सर वाली जो स्माइल है श्री राम की, वो रणबीर कपूर कैसे प्ले ऑफ करेंगे, क्योंकि रणबीर कपूर की स्माइल में मुझे वो हरामी लौंडा ही नज़र आता है। बट क्योंकि भाई रणबीर कपूर एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो भाई वहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, वहाँ पे मैं उनको देखना चाहता हूँ। मैं एक्साइटेड भी हूँ और मैं प्रॉमिसिंग भी हूँ कि भाई हाँ ये शायद बंदा कर सकता है उस चीज़ को।
लेकिन अंजलि अरोरा का केस में भाई ये पहले तो एक्ट्रेस नहीं है, तो भाई मैं इस पर रिस्क क्यों लूँ कि भाई ये माता सीता को प्ले करेंगी, और भाई मैं इसके अंदर कभी माता सीता को नहीं देख सकता। और ये बस देखो कैश ग्रैब स्कीम ही है, ये बस मूवी को बनाने के लिए भाई बस ये बस पैसा छापना चाहते हैं, तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करेंगे और बस तुम्हें आगे दिखाएंगे कि हाँ देखो हमने तुम्हारे पुराना को फिर से मजाक बनाया है। और ये डायरेक्टर मुझे उन्हीं लोगों में से लग रहा है, क्योंकि भाई मैंने अभी तक इसका कुछ देखा नहीं है, लेकिन भाई जैसे इसने स्टार्टिंग में ही अपनी मूवी को अनाउंस करके ये न्यूज़ दी है, तो भाई ये इंटेंशंस कुछ सही नहीं लग रही मुझे इसकी। बाकी रामायण के बारे में तुम्हारे क्या विचार है तुम लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इन दोनों में से तुम कौन सी रामायण के लिए एक्साइटेड हो और इनके बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, जाके चेक कर सकते हो। मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। देखो किसी का एहसान नहीं चाहिए, आपने बहुत एहसान नहीं किया हमें प्लेन पराठा खिलाकर। असल मेरे पे आएगी ना खाएगी निकल 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 दिखा निकल शांति रख इधर आ जा सारा जीत रही है हिम्मत है ने ये नहीं है सही नहीं है कहा इंग्लिश में गाली दे तो कूल और हिंदी में दे तो फूल। बेटा गाली देना ही गंदी आदत है, ये कहां से लग गई आपको बेटा, तो ये गाली वाली मत दो बेटा। You're still here. It's over. Go home.